nothing is heard of from the authorities that satisfy you or the union, would you be... So we hope that this assurance is kept by the authorities and the bank. जहरा आई वे कहां रह गई थी तुम? तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह अंधेरे से डरते हो। बैठ, मोमबत्ती जलाओ। माचिस नहीं मिल रही मुझे। हमारे सामने बोर्ड में पड़ी हुई है। बैठ जाओ। फाजिया के एग्जीबिशन पे गई थी तुम? अच्छा था, तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कह दिया था कि मसरूफ हूँ। नहीं, मुझे फाजिया का काम बिल्कुल पसंद नहीं। Just don't connect. तुमने बड़ा वेट लूज किया है आजकल। पतली हुई भी आजकल। भाई तुम्हें तो पता ही है, मैं किसी चीज का इरादा कर लूं तो फिर उसको पूरा करके दिखाती हूँ। Thank God. भाई वो डॉक्यूमेंट्री आने लगी, देखो बेटे। हारिस, I'm really tired. मैं सोने जा रही हूँ। हारिस, ये बिल्कुल ठीक है। With what? इनके साथ, what else? Yeah, I guess so. भाई मेरा मोबाइल किधर है? मेज पे। तुम्हारा दोपहर का क्या प्रोग्राम है? हाँ? दोपहर का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? प्रोग्राम क्या होना है, राशिद आ रहा है तो उसके साथ कुछ कागजात देखने हैं बस। सॉरी मिसेस हारिस, आपको आना पड़ा। नो प्रॉब्लम। राशिद साहब मुझे बताएं कि वो जो हारिस का गुलबर्ग वाला मकान था वो उन लोगों ने खाली किया? वो मसला तो कब का हल हो गया। अच्छा, वैसे आजकल उस प्रॉपर्टी की क्या कीमत होगी? अच्छी खासी होगी। फिर भी 6-7 करोड़ तो होगी। अच्छा, वो अभी रिसेंटली हारिस ने कुछ प्रॉपर्टी बेची भी तो है ना? फैक्ट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, क्या था? हाँ, बेची तो थी। अच्छा, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। आई वाज जस्ट वंडरिंग। ऑर्डर के बारे में काफी शिकायतें आई हैं। मैडम, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि धागा बहुत खराब है। सर, हमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैंने एबी ग्रुप्स वालों को इसके बारे में रिपोर्ट भेज दी है। हम इन पर केस भी कर सकते हैं, ये तो सरासर फ्रॉड है। सर, मैंने तो पहले ही बता दिया था। तो जैदी साहब, मैं क्या करता? ऑर्डर कैंसिल कर देता, मतलब लाखों का नुकसान उठाता मैं। आगे जितने ऑर्डर मिलने हैं वो भी हाथ से जाने देता। ये सब कुछ तो ख्याल करें आप। कभी कभी जहरा से मिलने को बहुत जी चाहता है, सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो
तुमने कभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं। क्या कहूँ मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ वो अच्छी है, अकलमंद है, खूबसूरत है, ऊपर से सब कुछ ठीक है। दरअसल हमारे दरमियान फासले बहुत ज्यादा हैं। तुम दोनों लड़ते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसके बारे में हम लड़े। ऐसी जिंदगी गुजारने का फायदा? हाँ फायदा तो कोई नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। मैं भी पहले यही सोचा करता था लेकिन अब रुक क्यों गए? क्या जरूरी है कि मैं अपनी हर बात पूरी करूं? तुम समझ नहीं सकती। सदफ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। लोग कहते हैं कि औरत की जात मर्द से सिक्योरिटी हासिल करती है, मैं कहता हूं नहीं। आई फील सो सिक्योर विद यू सदफ। क्या वो हम दोनों के बारे में जानती है? नहीं। हेलो। ओ हाय, तुम यहाँ कैसे? ऐसे काफी अर्सा हो गया आए हुए तो सोचा तुम आके हेलो कर लूं। हाँ ये सदफ माय वाइफ सहरा, सहरा सदफ हमारी सुपरवाइजर हैं एंड शी इज वेरी एफिशिएंट। फिर तो एक और बार हाथ मिलाना पड़ेगा। हर सब आपका फोन। आई शुड बी बैक इन 10 मिनट्स। ये देखिए ये मैंने डिजाइन किए हैं, हारिस साहब को बहुत पसंद आए, कह रहे थे कि स्प्रिंग कलेक्शन में शामिल करेंगे। आपको कैसे लगे? यू आर अ वेरी टैलेंटेड गर्ल सदफ। थैंक यू। मैं आपको अपना और भी काम दिखाना चाह रही हूँ, वो तो मेरे घर पे रखा है, इससे मैं ले आती। यू नो के पोर्टफोलियो इतने बल्की होते हैं कि। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे घर आके देख लूंगी कहाँ रहती हो तुम। आई लव टू सी योर वर्क। रियली? काफी सही नहीं लगती है। कौन? तुम्हारी सुपरवाइजर। तुमने बड़ी जल्दी अंदाजा लगा लिया। उसके काम से ही अंदाजा हो जाता है। किसी दिन घर क्यों नहीं बुला लेते खाने के लिए? Are you mad? She works for me. So यहाँ कैसे बुला सकते हैं? घर घर होते और दफ्तर दफ्तर।
हारिस कैसी बातें करते हो? अपनी बीवी को इसी तरह बेवकूफ बनाया हुआ है ना? तुम समझ रहे हो मैं तुम बेवकूफ बना रहा हूँ? क्या पता तुम मेरे साथ भी एक्टिंग कर रहे हो। ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। 3 साल में तुम्हारी लव स्टोरी ने दम तोड़ दी। कौन सी लव स्टोरी? कैसी लव स्टोरी? सदफ में तुम्हें बताऊं, वक्त ने हम दोनों को इकट्ठे दरिया में धकेल दिया था, लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों में फासले कितने ज्यादा हैं। मगर वो, लेकिन तुम दोनों तो आपस में बहुत खुश नजर आते। ये सरासर एक ढोंग है, हम दोनों जानबूझकर ये नहीं करते, बस कुछ आदत सी हो गई है। हम बहुत नाखुश हैं। हो सकता है मेरे साथ भी अचानक तुम्हें यह एहसास हो के मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे थे। मैं इंसान को एक नजर में पहचान लेता हूँ, और मैंने तुम्हें पहचान लिया सदफ। हारिस, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो सिर्फ लफ्जों पे ईमान नहीं आती। मैं बहुत प्रैक्टिकल औरत हूँ, खाली खुली बातों पे यकीन नहीं रखती। अच्छा भाई, छोड़ दूंगा उसे, बस चलो। तुम्हारा फोन आया। हेलो। जी जी जी, हाँ मैं घर पे ही हूँ जी, आप जरूर आइएगा जी। ओके। हारिस, तुमने ज़हरा को मेरा नंबर क्यों दिया? ज़हरा को? मैंने तो नहीं दिया, उसका फोन था। हाँ। क्या कह रही थी? बस मेरे प्रिंट्स देखना चाह रही थी। तो फिर डिनर आप मेरे साथ कर रही हैं? नहीं, मुझे इस वक्त सिर्फ एक प्याली चाय की जरूरत है। अच्छा, बस मैं अभी आई। मेरे ख्याल में मैं चाय बहुत अच्छी बना देती हूँ। वाकई, वैसे आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह कर लेती हैं। मुझे बहुत शौक था आपसे बातें करने का, आपसे मिलने का। अच्छा, मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है? फिर मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें जानती हूँ। तुम किस वक्त उससे मिलती हो, तुम कौन से रेस्टोरेंट में उसके साथ लंच करती हो, आप मैं सब कुछ जानती हूँ। देखो, मैं कोई गिला करने नहीं आई, ना तो कोई शिकायत करने आई हूँ। वैसे वाकई तुम्हारे इस मासूम से चेहरे ने कितने लोगों को धोखा दिया होगा। भाई, मैं तो तुम्हारी जहानत से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, बल्कि जितना ज़्यादा मैं तुम्हें जानती जा रही हूँ, उतना ही ज़्यादा तुम्हारी सलाहियतों से इम्प्रेस हो जा रही हूँ। आप चाहती क्या है? मौत।
किसकी मौत? आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं हारिस की मौत के बारे में बात कर रही हूँ। आप होश में तो हैं? आप हारिस साहब का कत्ल का मंसूबा मुझसे डिस्कस करने आई हैं? वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करती हो उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बारे में सबको जानती हूँ, ये भी कि तुम किस कदर काबिल एक्ट्रेस हो। तुम क्या जानती हो, मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं। तुम 11 साल की थी जब तुम अपनी माँ के साथ किसी ज्वेलर की दुकान में चोरी करती हुई पकड़ी गई। अच्छा, तुमने उसके बाद 3 माह किसी बच्चों की जेल में गुजारे। खैर, ये तो बड़ी मामूली सी इब्तिदा थी। उसके बाद तो कई कारनामे लिखे हैं तुम्हारे खाते में। कराची में एक होटल से 10 लाख रकम का गबन, उसके बाद 6 माह पुलिस कस्टडी में, और फिर किसी बड़ी सी सिफारिश से रहाई। रहीम यार खान में रहीला मुर्तजा के नाम से एक जमींदार से शादी, उसके बाद तलाक, फिर 15 लाख और जेवरात के साथ फरार। अच्छा, फिर साइमा नाम से मुल्तान में दूसरी शादी, और वही खेल। तुम्हारे पास कोई 4 शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं इस वक्त। वैसे आपस की बात है, तुम्हारा असली नाम क्या है इस वक्त? क्योंकि मैं उसे देखो, तुम्हारे सामने इस वक्त सिर्फ 2 रास्ते हैं। तुम क्या समझती हो, हारिस तुम्हारी असलियत जान जाएगा तो तुम्हें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कितना और कब? 35 लाख रुपए, 15 काम से पहले, बाकी रकम बाद में। 50 लाख से एक पैसा भी कम नहीं। कल दोपहर को मेरे घर आ जाना 12 बजे, हारिस काम पे होगा, बाकी चीजें वहीं डिस्कस कर लेंगे। चाय का शुक्रिया। हाय हारिस। हाय। मैं सदफ को मिलने गई थी। अच्छा। उसके डिजाइन्स देख के आ रही हूँ। बता रही थी कि तुमने स्प्रिंग कलेक्शन के लिए चूज किए हैं। उसे मैंने कहा मुझे भी अपना काम सिखा दे। तो क्या कहा उसने? कि सोचेगी। हेलो। हेलो हारिस, सॉरी आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी, मेरे मामू मुल्तान से आए हुए हैं। तुम्हारे मामू को आज ही आना था? हाँ, आई मिस यू सदफ। अच्छा, तो कल सहरा से क्या बातें हुई? बस इधर उधर की। उसे कोई शक तो नहीं हुआ? शक? आर यू ओके सदफ? हाँ हाँ हारिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी, कल मुलाकात होगी। ओके, बाय।
आठ बजे से ग्यारह बजे तक वो यहाँ पे बैठ के टीवी देखेगा। जरूरी है कि टाइमिंग परफेक्ट हो। तीन साल से उसके साथ रह रही हूँ, उसकी एक एक आदत को जानती हूँ। टाइम के मामले में वो बहुत पाबंद है। आओ। यहाँ पे एक टेलीफोन लाइन है, इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। मैं ठीक 10 बजे यहाँ फोन करूंगी, वो फोन सुनने नीचे आएगा। तुम इस दरवाजे के पीछे छुपी हुई होगी, जब वो फोन सुनेगा तो तुम पीछे से आना और उसको गोली मार देना। ये कह देना बहुत आसान है, अगर वो पलट आया और उसने मुझे देख लिया तो क्या हुआ? उसे देख भी लिया तो क्या हुआ? तुम फौरन गोली मार दो। खनसामा और बैरा दोनों छुट्टी पे हैं, ड्राइवर और चौकीदार कभी अंदर नहीं आते। हारिस को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अच्छा ये खिड़कियां तुम सारी खोल देना। रात के वक्त ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, इनको खोल देना, ये कुंडियां ऊपर, ताकि लगेंगे बाहर से चोर आए हैं। अब आओ मेरे साथ। ये सारी अलमारियां खाली कर देना, ताकि पुलिस समझे कि कोई चोरी हुई है, कोई सोच समझ के साजिश नहीं हुई। हारिस सेल्फ डिफेंस से मारा गया। इस कत्ल के लिए इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा मेरा नाम भी तो आ सकता है। मैंने तुम्हें इस काम के लिए क्यों चुना? क्योंकि तुम इसे समझ के करोगी। अब आओ मेरे साथ। आओ। अब गौर से मेरी बात सुनो। इस घर की दो चाबियां, एक मेरे पास होती है, एक हारिस के पास होती है। मैं उसकी चाबी उसके कीचेन से निकाल के इस गमले के अंदर रखूंगी। तुम इस चाबी के साथ घर के अंदर दाखिल होगी। मेरी चाबी से मेरे पे शक पड़ सकता है, उसकी चाबी से किसी पे नहीं पड़ेगा। अंदर दाखिल होने के बाद चाबी वापस रख देना। बड़ी चलाक हो। कल मैं अपने कजन समीना के जा रही हूँ थाने के लिए। हारिस घर पे अकेला होगा। तो तुम्हारा क्या मतलब है? कल? नहीं नहीं, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। मैं इतनी जल्दी? जो काम करना ही है उसमें जल्दी और देर क्या? तुम्हारा एडवांस। हाँ मैं बिजनेस मीटिंग से आ गया हूँ। हाँ तो तुम मुझे मिल लो आके 10 मिनट में उसी रेस्टोरेंट में। हाँ हाँ मुझे बोलिंग अली के साथ है। कोई बात ओके, आई विल सी यू। बाय। हेलो। हाय। सरप्राइज। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच कर। शादी से पहले हम यहाँ कितना आते थे याद? I think lunch with you is just what I need, Haris. क्यों? Yeah. किसी का इंतजार कर रहे? नहीं नहीं। ओ एक ऐसी लंच मीटिंग थी। I'll cancel it. हाँ राहिल। हाँ it's me. यार ब्रेडर्स के बाद जहरा और मैं लंच कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि तुम वो एबी वालों की मीटिंग कल के लिए रीशेड्यूल कर दो? इट इज पॉसिबल। ओके ओके, प्लीज डू दैट फॉर मी। ओके बाय।
किसी से मिलना था, जरूरी काम था, बता देते। शो ऑर्डर करो फिर। कहीं जा रहे हो? हाँ जिम जा रहा हूँ। क्यों? ऐसे ठीक है, मैं नहीं जाती। नहीं क्या बात? कुछ नहीं, समीना की तारीफ थी, नहीं जाती। तो कभी समझ नहीं आ रही, हम दोनों इकट्ठे निकल नहीं सकते यहाँ से? हारिस आई एम रियली सॉरी, वो बीबीसी खराब हो गया तो केबल वाला आज ही आ सकता है। एनीवे डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं जाती। नहीं नहीं, आई थिंक यू शुड गो, समीना नाराज हो जाएगी। मैं यहाँ ट्रेडमिल पर कर लेता हूँ एक्सरसाइज। मैं तुम्हें इसीलिए कहता हूँ कि दोनों मुलाजमों को इकट्ठे छुट्टी देने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस यू नो। हाँ लेकिन वो असगर अली की तो छुट्टी ड्यू थी और जुनेद मदर डाइड यार, आई कुडंट रिफ्यूज हिम। हारिस ओके देन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टाइम हो? 10:10 हुए हैं। 10:10। अच्छा समीना, मेरा टेलीफोन इस्तेमाल कर लूँ? थैंक यू। Thank you.
Sarah, there was this woman. कोई औरत अंदर आ गई थी. She tried to kill me. लेकिन मेरे ख्याल में मैंने उसको कत्ल कर दिया. कहाँ है वो? ये अंदर ड्राइंग रूम में. पुलिस को बुलाया? Oh God. ठीक हो? Are you hurt? ठीक हो? हारिस? हारिस, मैं पुलिस को बुलाती हूँ. जाओ फ्रेशन अप, जाओ, यू आर फाइन. चलो उठो उठो. इट्स ओके ओके. ये औरत आपको कत्ल करने की नियत से आपके घर में घुस गई थी. कौन है ये औरत? क्या आप इसे जानते हैं? औरत पहली दफा, मैंने जिंदगी में पहली दफा इसको भी देख रहा. तो क्या किसी और ने ये काम करवाना चाहा? Thank you.
हेलो सदफ, हेलो हेलो सदफ, हेलो हेलो सदफ, हेलो जहरा बोल रही हूँ। हारिस सो रहा है और मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ। 12 बजे तुम्हें पिक करने आऊंगी। वो औरत कौन थी? मेरी जानने वाली थी। अब हारिस की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? उसका नाम तुम्हारे साथ तो नहीं आएगा? नहीं, तुम समझती नहीं उस बात को। मैंने जिंदगी में अच्छा बुरा काम बहुत किया, मैं एडमिट करती हूँ उस बात को, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अगर ऐसा हो जाता तो शायद सारी जिंदगी अपनी ही हाथों से डरती रहती। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ अब आगे क्या करना है? दो चार दिन वेट करो, मैं तुम्हें फोन करूंगी। मैं हारिस से उसी तरह मिलती रहूं। जी आई एम अबाउट टू साइन इट। जी ओके बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुआ। थैंक्स यार। हाँ हारिस, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जहरा आई थी मेरे पास और तुम्हारे गुलबर्ग के मकान के मुताबिक पता कर रही थी। सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है, बट शी इज योर सोल बेनिफिशियरी, तुम्हारी तमाम जायदाद की वारिस। तुम कहना क्या चाह रहे हो राशिद? मेरा ख्याल है कि तुम अपने तमाम एसेट्स का एक ट्रस्ट बना लो। लिसन राशिद, आई एम जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। सॉरी यार, तुम मुझे घर पे बुला लेते। चलो आई विल ड्रॉप यू। नहीं नहीं, जस्ट गो अहेड, आई एम फाइन। ओके यार, मैं चलता हूँ। थैंक यू।
अच्छा आईजी भाई साहब के आप चेचे साथ भाई है। जी हाँ। काजिम एक साहब के लिए ठंडी बोतल लाओ। नहीं नहीं शुक्रिया थैंक्स। अरे आप हमारे माई बाप हैं, आप वही साहब को जरूर ये कहिएगा आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। जी। वैसे जी ये बड़ी खतरनाक औरत थी, कहने को तो ये एक औरत थी मगर मर्दों से बढ़कर काम करती थी। ये पहले पुलिस में थी जनाब। इस शहर में जितनी बड़ी बड़ी चोरियां और वारदातें होती थी इस औरत की सरबराई में होती थी, और अभी कुछ ही अरसे पहले ये रिहा हुई थी। उसका नाम क्या था? चंपा। चंपा ये पुराने दिल्ली दरवाजे में रहती थी, जितनी वारदातें हैं ये सब उसी की हैं। शुक्रिया। हेलो। 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ पे बैठ के टीवी देखेगा। जरूरी है कि टाइमिंग परफेक्ट हो। 3 साल से उसके साथ रह रही हूँ, उसकी एक एक आदत को जानती हूँ। टाइम के मामले में वो बहुत पागल है। अब यहाँ पे एक टेलीफोन लाइन है जिसकी कोई एक्सटेंशन नहीं, मैं ठीक 10 बजे यहाँ फोन करूंगी, वो फोन सुनने नीचे आएगा। तुम इस दरवाजे के पीछे छुपी हुई होगी, जब वो फोन सुनेगा तो पीछे से आना और गोली मारना। ये कहते ना बहुत आसान है, अगर वो पलट आया और उसने मुझे देख लिया तो क्या? उसे देख भी लिया तो क्या हुआ? तो फौरन गोली मार दो। हंसामा और मेरा दोनों छुट्टी में, ड्राइवर और चौकीदार कभी अंदर नहीं आते। हारिस को धीरे से बहुत डर लगता। अच्छा ये खिड़कियां तुम सारी खोल देना। ठीक है, 1 घंटे बाद मुझे जमान बाग के पिछले गेट पे मिलो।
ये क्या घटिया हरकत थी? शराफत की जबान तुम्हारी समझ में कहाँ आती है? ये सोच लो कि तुम इस वक्त मेरी मुट्ठी में, तुम्हारी सारी इज्जत और नेकनामी मेरी कब्जे में। अपनी काम की बात करो, तुम्हें चुप कराने के लिए कितने पैसे चाहिए और मैं रकम कहाँ पहुंचाऊं? 25 लाख 4 घंटे में। 4 घंटे? ये तो बहुत कम वक्त है। शाह के मकबरे पर। तुम घर पे क्या कर रहे हो? तुमने उस औरत की चाबी मेरे की चेन पर क्यों डाली? तुम्हें बचाने के लिए। किससे? तुम्हारी होने वाली बीवी सदफ से। हारिस, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करती, ना कर सकती हूँ, इसलिए दिन रात तुम्हारी फिक्र में रहती हूँ। ठहरो। बैठो। धमकियों पे धमकियां दिए जा रही है। तुम्हें इस बदनामी से बचाने के लिए मैंने उसको 7 लाख रुपए भी दिए हैं, लेकिन अब उसके डिमांड से पूरे नहीं कर सकती। तुमने उसे पैसे क्यों दिए? ताकि वो तुमसे दूर हो जाए। हारिस, तुम नहीं जानते वो क्या है। वो इस वक्त अपनी जिंदगी अनगिनत नामों से गुजार रही है। उसके सारे मकारियों के सबूत मेरे पास हैं। मुझे बताया क्यों नहीं? और वो चाबी तुमने मेरी कीचेन पर क्यों रखी? इसलिए कि मैं समझी वो सदफ की लाश थी और उसके पास तुम्हारी चाबी होगी। तुम्हें किसी मुसीबत से बचाने के लिए मैंने वो चाबी ले ली। मैं उस वक्त कुछ सोच तो नहीं रही थी, मुझे तो बिल्कुल ही अपने होश और हवास खोए बैठी थी मैं। ऊपर से सदफ ने मुझे धमकियां दी हुई थी तुम्हारी जान लेने की। तुम्हारे ख्याल में उस औरत का सदस्य से भी कोई ताल्लुक था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में वो औरत चोरी करने आई थी और पकड़ी गई। ज़रा, आई थिंक वी शुड गो टू द पुलिस। पुलिस के पास जाके हमें सब कुछ बता देना चाहिए। हारिस, मेरे ख्याल में अच्छा आइडिया नहीं होगा। क्यों? देखो, मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, सबूत छुपाया है मैंने। अगर पुलिस ये समझ ले कि इसमें मैं इन्वॉल्व हूं, या ये समझ ले कि हम दोनों ने इस औरत का कत्ल किया है, इसको सदफ समझ के, क्योंकि सदफ हमें ब्लैकमेल कर रही थी, मामला और भी गड़बड़ हो सकता है।
तुम सदफ की फिक्र मत करना, उसने मुझसे पैसे ले लिए और वो लाहौर छोड़ के चली गई है। तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिए? मैं चाहती थी कि हम दोनों की जिंदगी में उसका दखल ना हो। तुम रेस्ट करो, मैं बाहर जा रही हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? सर में थोड़ा दर्द। मैं जाके तुम्हारे लिए पेन किलर्स ले आती हूँ। बाकी की रकम 25 लाख बैंक बंडल्स में। टेप जाऊं? मेरा बैग खोल के देखो। थैंक्स, मैं बड़ी अच्छी नींद आ गई थी। रेस्ट करो। नहीं नहीं नहीं, ये काफी मेरे सिले मार। के? मैं जाके नहाता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ इधर मिल को। ओके ओके। अच्छा हाँ, वो घर के लॉक्स चेंज करने पड़ेंगे, मुझे मेरी चाबी नहीं मिली अभी तक।
ये तुम्हारे ड्रामे का आखिरी सीन था ना।